अब लगता है कि सरकारी साइकिल्स में सियासी जंग भी लग चुकी है। 3 साल पहले बीजेपी सरकार ने सरकारी छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल बांटने की घोषणा की थी। सत्ता बदल गई लेकिन छात्र छात्राओं को अब तक साइकिल्स नहीं मिल पाई हैं। छात्रावास में छात्रों को नहीं मिली साइकिल, रंगों के फेर में फंसी सियासत की साइकिल। प्रदेश में सत्ता बदली, सियासत बदली। सियासत के इस मिजाज में साइकिल ने भी अपना रंग बदला, लेकिन लगता है प्रदेश में सियासी साइकिल फिर से पंचर हो गई है। यही वजह है कि छात्रावासों तक पहुंचते पहुंचते साइकिल के पहिए में ब्रेक लग जाते हैं। 3 साल पहले तत्कालीन बीजेपी सरकार ने छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल बांटने की घोषणा की थी। देखिए, प्रदेश में सत्ता बदल गई है लेकिन साइकिल के नाम पर सियासत आज भी जारी है। 3 साल से छात्रावासों में रहने वाले हजारों छात्र छात्राएं साइकिल का इंतजार करते ही रह गए। सत्ता के मठाधीशों ने अपने अपने हिसाब से साइकिल का रंग कभी भगवा किया तो कभी काला, लेकिन छात्रों को तो बस साइकिल चाहिए। रंगों की ये राजनीतिक सियासत दोनों को मुबारक हो। सरकार से यही दरखास्त करो कि बच्चों को साइकिल दिलाई जाए, क्योंकि हम यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते हैं, तो वहाँ जाने आने में टाइम वेस्ट हो जाता है। सुबह यहाँ से हमें जाना पड़ता है 6:30 बजे, जब जाकर 7:30 बजे तक पहुँचते हैं और 2:30 बजे तक आते हैं, तो इससे कि टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 8 मार्च 2017 के बजट घोषणा में छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए निशुल्क साइकिल बांटने का ऐलान किया था। इसमें शर्तें ये रखी गई थी कि 2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल या शिक्षण संस्थान जाने वाले स्टूडेंट्स को निशुल्क साइकिल वितरित की जाएगी, लेकिन सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने एक भी साइकिल नहीं बांटी। पिछली सरकार ने साइकिलों के लिए 4 बार टेंडर निकाले लेकिन कोई भी कंपनी टेंडर के आवेदन के लिए आगे नहीं आई। कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही साइकिल बांटने का ऐलान किया, लेकिन 9 महीने बाद भी साइकिलें अब तक छात्रावास के छात्रों को नसीब नहीं हो पाई है। सोचिए, कांग्रेस सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक बार और टेंडर निकाला, लेकिन इस बार भी साइकिल के लिए किसी कंपनी ने आवेदन ही नहीं किए, जिसके बाद टेंडर को फिर से निरस्त करना पड़ा। ये बात सही है कि हमने 1000 साइकिल खरीदने के लिए टेंडर निकाले और टेंडर निकाले तो उस टेंडर को निरस्त होकर कोई कंपनी आई नहीं। दरअसल भारी भरकम शर्तों की वजह से कोई भी कंपनी साइकिल का टेंडर भरने को तैयार नहीं है। टेंडर के लिए जो शर्तें हैं उसके मुताबिक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ होना आवश्यक है, जिसमें प्रति साइकिल की लागत 3600 से 4000 रुपए तक आंकी गई है। लेकिन अब सरकार टर्नओवर कम करने के साथ साथ नियमों को भी सरल करने जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अधीन 756 सरकारी आवास हैं, जिनमें रहने वाले करीब 10,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 2 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी तय कर स्कूल जाना पड़ता है। कंपनी ये तय किया है कि आप उनको अलग अलग 1000 मत दो, आप 200 की बात टेंडर कर दो, हीरो कंपनी आ जाएगी, एटलिस्ट कंपनी आ जाएगी। उसमें जो 2-3 ऐसी शर्तें थी मैंने उनको हटा दीजिए, लेकिन साइकिलें कंपनी की लेगी। कहते हैं सियासत का कोई रंग नहीं होता, लेकिन राजस्थान में छात्राओं की निशुल्क साइकिल वितरण योजना सियासत के रंगों में ऐसी फंसी है कि ये बाहर ही निकल नहीं पा रही। बहरहाल, छात्रावास के छात्रों को अब भी साइकिल का इंतजार है। राजस्थान में साइकिल के बदलते सियासी रंग के बीच अब सरकारी साइकिल पंचर हो चली है। दरअसल इस साइकिल के पहिए की तरह राजस्थान में सत्ता का पहिया भी घूमा, लेकिन अब तक सरकारी साइकिलों पर ब्रेक लगा हुआ है। ऐसे में अब क्या यही माना जाए कि सरकारी छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं को ये साइकिलें नसीब नहीं हो सकेगी? ऐसे में उनकी उम्मीदें भी अब सियासी साइकिल में फंस चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।